स्किन खराब हो चुकी है, पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स आपकी स्किन पे आ चुके हैं, आपका मॉरल बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है, पब्लिक में जाने से आप शर्माते हैं, किसी विशेष आदमी से मिलने से आप शर्माते हैं, बहुत सारे जिंदगी के काम आप इस वजह से छोड़ देंगे क्योंकि आप अपने आप को बड़ा अगली फील कर रहे हैं, बड़ा बदसूरत फील कर रहे हैं। शरीर के किसी भी हिस्से पे, स्किन पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो वास्तु की आज हम 3 ऐसी जानकारी आपको देंगे, आप अपने घर में चेक कर सकते हैं कहीं वो वास्तु दोष तो आपके घर में नहीं बन रहा है। आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी महंगी दवाई खाने की, बड़े बड़े इलाज कराने की या बड़े डॉक्टरों के पास जाने की। आप इन 3 छोटी सी बातों का ध्यान रखिएगा और हमारी गारंटी है, वादा है, ये वीडियो आप ही के लिए है। अपने घर में कुछ बदलाव करके अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं क्योंकि उपाय छिपा है आपके घर के अंदर, इस बात का 100% दावा है, वादा है। बहुत ही छोटी सी चीज के बदलाव से आप अपनी स्किन ठीक कर सकते हैं। अगर कोई जूझ रहा है तो उसे वीडियो शेयर कर दीजिएगा, वो अपनी स्किन ठीक कर लेंगे और आपको थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। जब भारत में बिस्लरी आई थी तो इन्होंने बड़ा नेक्स्ट लेवल अपना एडवर्टीजमेंट किया था कि पानी जितना पिया जाए उतना बेहतर है, 70% बॉडी वाटर की बनी हुई है तो उसमें पानी जाना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ मार्केटिंग थी, बहकावा था, आपको बहकाया गया है और बहकाया जा रहा है। अगर आप आयुर्वेदिक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि तो इतना तो पानी पीना ही नहीं है जितना इन्होंने दुनिया ने आपको बता दिया है। जितनी हेल्दी डाइट आप खा रहे हैं, जितने सलाद आप ले रहे हैं, जितने मिनरल्स, विटामिंस महंगे महंगे आप ले रहे हैं, कोई जरूरत इतनी खास नहीं है। नमस्कार, मैं लवप्रीत सिंह लाडवा, कल्याण धाम से वास्तु एक्सपर्ट। सबसे पहली चीज हमारी है साउथ ईस्ट, अग्नय कोण जिसे बोलते हैं। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको पता रहना चाहिए अग्नय कोण किसे बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी बेहद जरूरी है। अग्नय कोण के अंदर आग से संबंध रखते, आपको सभी को पता है अग्नय कोण आग कॉमन सी चीज है, वहां पे वाटर एलिमेंट, पानी का तत्व कुछ भी वहां पे ना हो, जब भी वहां पानी का तत्व आएगा तो वाटर एलिमेंट वहां आपके फायर एलिमेंट को खराब कर देगा, अग्नि तत्व को वहां पे खराब कर देगा। जब भोजन, खाना, फूड हमारे पेट में जाता है तो उसे पचाती है अब हमारे पेट की अग्नि, और उस अग्नि पे जब भी वहां पानी आएगा, साउथ ईस्ट में आपके घर के अंदर वाटर टैंक, छत के ऊपर या जमीन के नीचे, या वहां पे कुछ भी अगर आपने बंदोबस्त किया हुआ है किसी भी तरीके का, वहां पे एक पानी का फ्रेम भी आपको प्रभावित कर सकता है, तो वहां पे नहीं रहना चाहिए। पेट की अग्नि को पानी बुझा देगा और जब आपका पेट खराब हो जाएगा तो आपके पेट खराब होने की वजह से आपके चेहरे पर पिंपल्स, रिंकल्स, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स आएंगे। ये सिम्टम होते हैं, ये बीमारी नहीं है। जब आपका पेट खराब होता है तो आपका पेट आपको कहता है पिंपल्स देके कि पेट खराब है, पेट ठीक कर लिया जाए। तो पेट की अग्नि जब ठीक होगी तो पिंपल्स की एक बहुत बड़ी वजह है जो कि नहीं होगी। पिंपल्स हो सकती है, तमाम किसी भी तरीके की स्किन की बीमारी वहां से खत्म हो जाएगी। दूसरी बात आती है आपके घर के अंदर किसी भी दरवाजे का रगड़ना, टॉयलेट, बाथरूम, रूम, मेन गेट, कोई भी वो गेट हो सकता है, अगर वो आप नोट करिएगा, अगर वो गेट रगड़ खा रहा है कहीं पे भी, ऊपर, बगल में या नीचे, तो घर के अंदर जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है, दांत, खाज, खुजली, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी हो सकता है, घर में किसी ना किसी को उस चीज का सिम्टम मिलेगा। जरूरी नहीं है जो उस रूम को यूज करता है उन्हें ही हो, वो किसी को भी हो सकता है, वो आपको सिम्टम देके दिखाएगा कि इसे ठीक कर लिया जाए। आपके घर के अंदर कोई भी दरवाजा आवाज या रगड़ ना खा रहा हो, जब भी एक दरवाजा रगड़ खाएगा तो नोट करिएगा, उन घरों के अंदर स्किन की दिक्कत जरूर 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 मिलेगी। कितनी छोटी सी बातें हैं, आप इन सबको ठीक करके अपने स्किन ठीक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि महंगी दवाई खानी है आपको। तीसरी चीज हमारी आती है बुध। बुध ग्रह बैठते हैं घर के नॉर्थ में, और जो हमारी स्किन, हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है उसे रूल करता है शुक्र ग्रह, लेकिन जो हमारी स्किन है, हमारा जो फेस की स्किन है, उसे रूल करते हैं हमारे बुध ग्रह, तो उनका ठीक रहना बेहद जरूरी है। तो घर का नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखिए, टॉयलेट, बाथरूम ना बना हो, ये मल मूत्र आप वहां अगर त्यागोगे वहां पे बुध के स्थान पे, तो आपकी त्वचा बेहद खराब हो जाएगी। आपने कई बार देखा होगा कि किसी के नेलनेक्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहां पे उसकी स्किन में कुछ ऐसा है कि वो बहुत अगली फील आ रहा है, बहुत घटिया सा वो दिख रहा है,
और ये जो चेहरा है दुनिया लाखों करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च करती है। आप सभी को पता है कि ये ठीक रहे, जब ये ठीक नहीं होता इसके ऊपर बीमारी आ जाती है। कई बार आदमी की प्यूबर्टी की एज निकलने के बाद भी 25 साल 26 साल 30 साल तक भी उसे पिंपल्स का सामना करना पड़ता है। तो ये छोटे से उपाय जो हम आपको बता रहे हैं इन्हें करके आप अपनी स्किन ठीक कर सकते हैं। तो घर का कोई भी दरवाजा आपस में रगड़ ना खाए। और दूसरी बात जो हमने आपको बताई, बुध ग्रह हमारे उत्तर में बैठते हैं और वहाँ पे आपका टॉयलेट बाथरूम ना हो, वहाँ पे आप अपना मल मूत्र ना त्यागें, वरना अगर वहाँ पे आप वो करोगे आप उन्हें खराब करोगे, वो जो उनके हाथ में है आपकी स्किन वो उस स्किन को खराब कर देंगे। तो नोट करिएगा, जिनके घर में उत्तर में टॉयलेट या जिनके घर के साउथ ईस्ट में दिक्कत और जिनके घर के अंदर दरवाजे रगड़ खा रहे हैं उन्हें यह दिक्कत आ जाएगी। तो ये कुदरत को आपसे दुश्मनी नहीं होती, वो सिर्फ एक सिम्टम दिखाती है कि मुझे ठीक कर लिया जाए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। तो ये तो आदान प्रदान लगा रहता है। तो अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो ये एक दहकती चमकती स्किन आपकी हमेशा कोमल रहेगी। ठीक है जी, बाकी कोई अगर पीड़ित हो इस तरीके से, कोई जो महंगी महंगी दवाई खा रहा हो, तो आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। राम राम।